नमस्कार दोस्तों, एक भयंकर प्रॉब्लम देखने को मिली नेपाल के सदर्न बेल्ट में रहने वाले थारू कम्युनिटी के लोगों के बीच में। ये इतनी भयंकर है कि ये थारू कम्युनिटी के लिए एक बुरे सपने के जैसा है। जहां एक तरफ सभी नेपाली आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं थारू कम्युनिटीज के लोगों को ये बीमारी निशाना बना रही है। और कुछ समय पहले तक किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मानो जैसे काला जादू हो। तो क्या था कारण? नेपाल में साल दर साल थारू कम्युनिटी के लोगों के बीच में बढ़ती मौतों का और इस बीमारी का, और आखिर ये सब हो क्या रहा था। और इसके ऊपर से पर्दा तभी उठ पाया जब डॉक्टर्स ने रिसर्च की और पता लगाया कि इसके पीछे एक बड़ी बीमारी जिसे कहते हैं सिकल सेल डिजीज, और ये उसी का प्रकोप था। लेकिन सवाल ये भी था कि ये नेपाल के सिर्फ थारू कम्युनिटी के लोगों को क्यों हो रहा था, बाकी नेपालियों को ये क्यों नहीं हो रही थी। तो आखिर क्या थी ये भला सिकल सेल डिजीज, जिससे बहुत दर्दनाक पेन होते हैं, साथ ही साथ जल्दी मौत भी हो जाती थी, और ये हजारों लोगों की मौत का कारण बनी। तो क्या है ये बीमारी, कहां से ये आई है, और ये नेपाल के थारू कम्युनिटी को ही क्यों हो रही थी, और नेपाल में इसको कैसे रोका जा सकता है, यही है आज के हमारे चर्चा का विषय। तो इस वीडियो में हमारी कई दिनों की मेहनत साथी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने सरल भाषा में आपके लिए बनाया है, जिसे आप सभी को नॉलेज मिल सके ऐसी चीजों पर। तो अभी नीचे जाकर प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए, साथ ही मुझे सपोर्ट करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके लिए वो एक कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा मोटिवेशन है। तो आप सभी लोग मेरी ताकत, मेरा मोटिवेशन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ एक लाइव Q&A सेशन के साथ, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको मुझसे पूछना हो, और उन क्वेश्चंस को मैं आने वाले लाइव सेशन में जरूर लूंगा। तो आप जानते हैं कि क्या है ये सिकल सेल डिजीज, और आखिर नेपाल के थारू कम्युनिटी में क्यों है। दूसरे, सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसे असर पड़ता है पेशेंट के बहने वाले खून पे। अब इसमें होता क्या है कि हर एक इंसान के खून के अंदर होती है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, और ये लाल रक्त कोशिकाएं होती है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये लाल रक्त कोशिकाएं एक नॉर्मल आदमी में होती है प्लेट की आकार की, और इन्हीं प्लेट आकार सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और उसके बाद उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं ये लाल रक्त कोशिकाएं। तो जिसको भी सिकल सेल डिजीज होती है, उसकी रेड ब्लड सेल की शेप ही चेंज हो जाती है, यानी कि वो प्लेट आकार से बन जाती है सी शेप की, यानी कि आधे चंद्रमा के शेप की वो बन जाती है। अब इसके आधे चंद्रमा की शेप बन जाने की वजह से इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि कम ऑक्सीजन ले जा सकती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और हमारे हर एक ऑर्गन को चाहिए ऑक्सीजन काम करते रहने के लिए, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाती है। साथ ही ये सी शेप की होने की वजह से ये फंसती हुई जाती है नसों में, जिसकी वजह से खून के प्रवाह में भी बाधा आती है, क्योंकि एक प्लेट आकार की रेड ब्लड सेल बहुत आसानी से खून में बह जाती है, लेकिन ये सी शेप कहीं ना कहीं मोड़ों पर फंस जाता है, और इसके फंसने की वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तीसरी चीज़, ये नसों में बहते हुए टकरा कर लड़ लड़ कर टूट भी जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी रेड ब्लड सेल खराब हो जाती है। और हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, जो कि चेक करता है कि रेड ब्लड सेल सही है या नहीं, और जब स्प्लीन चेक करता है कि एक सी शेप की रेड ब्लड सेल है, तो उस रेड ब्लड सेल को खराब मानते हो उसको वेस्ट में फेंक देता है। तो एक जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो कि 120 दिन तक चलती है, और वहीं ये सी शेप की रेड ब्लड सेल को एक या दो दिन में शरीर को फेंकना पड़ता है वेस्ट में, जिसके चलते होता यह है कि खून की भारी कमी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स में, और इसी को बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। और साथ साथ जब क्राइसिस आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिकल सेल्स होते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा उनको पेन होती है सारे जॉइंट्स में, सारी बोन्स में, और उनको सांस लेने में तक दिक्कत आ जाती है, और तुरंत उनको खून चाहिए होता है, वो भी भारी तादाद में, क्योंकि उनकी बॉडी में जो भी रेड ब्लड सेल हैं वो सारे ही खराब हो जाते हैं, जिसके चलते उनकी बॉडी ठीक से काम ही नहीं कर पाती, और इस डिजीज़ के चलते ही उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, यानी कि उसकी जल्दी मौत भी हो जाती है। लेकिन अब क्या कारण है कि ये नेपाल के कई और लोगों में देखने को नहीं मिली इतनी, जितनी नेपाल के थारू कम्युनिटी के लोगों में देखने को मिली है। दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि ये आपके जीन्स में होती है, और ये जो जीन्स होते हैं ये हमको अपने माता और पिता से मिलते हैं। तो थारू कम्युनिटी के लोगों को ये अपने पूर्वजों से मिल रही, लेकिन आखिर थारू कम्युनिटी के लोगों को ही अपने पूर्वजों से ये क्यों मिल रही है? इसके पीछे का कारण ये है कि थारू कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर शादियां जो करते हैं, मैरिज करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही करते हैं, और सिकल सेल डिजीज़ और कई और डिजीज़ होने के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के अंदर शादी करोगे, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। और सिकल सेल और कई और बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं
अगर आप अपने कजन से शादी करते हो या फिर अपनी फैमिली के क्लोजर रिलेटिव से शादी करते हो। और थारू कम्युनिटीज में ये देखने को काफ़ी मिलता है कि वो अपने इंटरनल कम्युनिटी में ही ज़्यादातर शादी करते हैं, जिसके चलते ही थारू कम्युनिटीज में पैदा होने वाले बच्चों को ये जेनेटिक डिजीज़ मिलती जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ रुक नहीं सकती, ये चीज़ रुक सकती है अगर थारू कम्युनिटी के लोग एक अदर कम्युनिटी के लोगों से शादी करते हैं, तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि ये डिजीजेस देखने को मिलती है ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में, साथ ही साथ अफ्रीका में, जहाँ पर फैमिली के क्लोज रिलेटिव से शादी हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा कजन से शादी करने पर ऐसी प्रॉब्लम और कई और डिजीजेस होने की प्रॉब्लम सामने आती है। और थारू कम्युनिटीज के लोग भी अपने ट्राइब्स में ही शादी करते हैं, जिसके चलते ये डिजीज़ उनको अपनी विरासत में मिलती जा रही है और पैदा होने वाले बच्चे भी उनसे अफेक्टेड हो रहे हैं। हाल ही में 2017 में वेस्ट नेपाल के दांग में, जहां पर थारू कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहां पर देखा गया कि 9.3% लोग अफेक्टेड हैं सिकल सेल डिजीज से। साथ ही 75.9% थारू कम्युनिटी के उन लोगों के एक जीन में देखा गया सिकल सेल डिसऑर्डर, जिसे कहा जाता है सिकल सेल ट्राइट। और ये सिकल सेल डिजीज से थोड़ा अलग होता है। सिकल सेल ट्राइट में सिर्फ एक ही जीन में सिकल सेल की वो जीन होती है, जिसके चलते उसको सिकल सेल डिजीज तो नहीं होती, लेकिन वो सिकल सेल डिजीज अपने बच्चों तक फैला सकता है। और अगर दो सिकल सेल ट्राइट वाले लोग शादी कर लेते हैं आपस में, तो 75% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका जो बच्चा पैदा होगा उसको सिकल सेल डिजीज होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं उन 75.9% लोगों को एक अदर कम्युनिटी में शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उन बच्चों को बचाया जा सकता है और वो बच्चे सिकल सेल डिजीज से प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही 90.5% लोगों को ना ही सिकल सेल डिजीज थी और ना ही सिकल सेल ट्राइट था, यानी कि वो सिकल सेल से मुक्त थे। तो उस इलाके में करीबन 82% लोग प्रभावित है सिकल सेल से, और यही कारण है कि सिकल सेल डिजीज नेपाल के थारू कम्युनिटीज में फैली हुई है। दूसरी इतनी भयंकर थी कि नेपाल की गवर्नमेंट ने 2014 में ही पार्लियामेंट में सिकल सेल डिजीज को रिकॉग्नाइज किया मेजर हेल्थ क्राइसिस नेपाल के लिए। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है करीबन 1,00,000 रुपए, लेकिन ये भी कम पड़ जाते हैं। और अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो इसका एक ही चारा है कि इंटर ट्राइब मैरिज को खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए। अब जिसको जेनेटिक्स नहीं पता उसको बता दें कि हर एक कॉमन आदमी के अंदर दो जीन्स होते हैं, जो कि उसको एक माता से मिलता है और एक पिता से मिलता है, यानी कि अपने फादर से मिलता है। और दोनों के एक एक जीन्स मिलाकर एक बेबी का जीन्स तैयार होता है, और हर इंसान के अंदर वो दो जीन्स होते हैं। और ऐसी चीज़ एक भारत के गाँव में भी देखने को मिलती है, जो कि है कश्मीर में एक विलेज, जहाँ पर लोग इंटर कम्युनिटी ही शादी करते हैं, जिसके चलते उनके जीन्स में भी एक बीमारी फैल गई, जिसे कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे ना ही बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं, क्योंकि उन कम्युनिटी के लोगों में बहुत ज़्यादा कजिन्स में मैरिज होती है, साथ ही साथ इंटर कम्युनिटी मैरिज ही होती है, जिसके चलते जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ना बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं, क्योंकि उनको मिलता है एक नॉन वर्किंग जीन, जिसके चलते ही उनकी ऐसी हालत हो रही है। और इसीलिए उस गांव को कहा जाता है म्यूट विलेज, यानी कि वहां पर कोई भी बोल नहीं पाता ना ही सुन पाता है, और इस चीज़ से प्रभावित होने वाले वहां पर हर फैमिली है। सो बड़ा सवाल है कि नेपाल के थारू कम्युनिटी, साथ साथ जहां पर भी ये ऐसी बीमारियां हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है जिससे बच्चों में ये चीज़ें ना फैलें। दोस्तों, इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंटर कम्युनिटी शादियाँ ना हो या इंटर ट्राइब जो मैरिज हो रही हैं उनको बहुत हद तक रोका जाए, और यही एक उपचार है जिससे इन डिजीज़ की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जीन्स में बहुत बदलाव हो जाता है। और साइंटिफिक तौर पर ये कहा जाता है कि जब भी क्रॉस जीन के बीच में बच्चे पैदा होते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी आईक्यू ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं, और वो ज़्यादा चीज़ों को झेल भी सकते हैं, और एक हेल्दी समाज को बनाया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक अभी कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। NI News।